हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स बाय वैशाली गुप्ता। और आज हम फिर से कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं नंबर एनालॉजी की। तो ये एक है जिसमें 21445 रिलेटेड हैं और हमें 24 का रिलेशन निकालना है। तो इसमें आप देखिए 21 का अगर हम देखें स्क्वायर तो क्या होता है 441 प्लस उसमें अगर 4 कर दे तो 445 आ रहा है। क्या देखें हम ये रिलेशनशिप अगर इस पे लगाते हैं 24 का स्क्वायर प्लस 4, 24 का स्क्वायर होता है 580 प्लस 4 दैट इज़ इक्वल टू 576 प्लस 4 एक हो गया 580। तो बेसिकली इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा था, एन स्क्वायर प्लस 4। इसमें देखिए 5:9 831 और 13, इसमें क्या रूल देख सकते हैं हम, 4 5 जा 20 माइनस 1 तो 19 आ रहा है। क्या इसमें देखें 8 4 जा 32 माइनस 1 दैट इज़ 31 आ रहा है। तो अगर इस रूल में, इसमें बेसिकली रूल चला है n इंटू 4 माइनस 1, तो अगर 13 इंटू 4 करेंगे माइनस 1 करेंगे 52 माइनस 1 दैट इज़ 51, तो ये रहा ए आंसर। ऐसे इसमें देखते हैं 21 147, 32 224, 52 का निकालना है। तो हमें तो ये देख कर ही पता चला 21 का 7 टाइम्स क्या होता है 147, 32 का 7 टाइम्स होता है 224। तो बेसिकली इसमें 7 इंटू एन चल रहा है रूल। तो अगर 52 का एन करेंगे, सॉरी 52 का इंटू 7 करेंगे, 7 2 जा 40 10 35 30 364 आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन गलत उतार दिया है या मैंने ऊपर वाले ऑप्शन इसमें उतार दिए हैं, पर इसका ऑब्वियसली आंसर 364 होगा क्योंकि ये दोनों में ये रूल सेटिस्फाई हो रहा था। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ स्टूडेंट्स, राइट, ये इसके ऑप्शन मैंने गलत उतार लिए थे, 356 364 365 एंड 346 ऑप्शन है और हमारा आंसर आ रहा था 364, तो इसका बी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ। थैंक यू।